हाय फ्रेंड, ब्रेकअप चैलेंज ऑफ नॉलेज पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो रिक्रूटमेंट है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड प्लांट के लिए, तो इसका जो डेट है वो इंक्रीज कर दिया गया है। मतलब जिन लोगों ने भी इस फॉर्म को अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वो उन लोगों के लिए अच्छी बात है कि अपना जो ये फॉर्म है उसको उसका डेट पड़ गया है और अप्लाई कर सकते हैं। और जो फॉर्म को एक्सटेंड किया गया है उसका जो डेट है वो आज 24 जून से लेकर 3 जुलाई तक जो है अप्लाई किया जा सकता है। तो बात करें इस फॉर्म का, तो ये जो वैकेंसी है वो हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड की तरफ से है, जो कि जॉइंट वेंचर है IOCL, NTPC, CIL, FCIL एंड HFCL का। तो ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें हम वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी सारे डिसिप्लिन है जिसमें अप्लाई जो किया जा सकता है, जो कि आप देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर, जो कि अमोनिया डिसिप्लिन से दिया गया हुआ है, फिर है यूरिया डिसिप्लिन, फिर ऑफ साइट एंड यूटिलिटीज, यूरिया प्रोडक्ट हैंडलिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, स्टोर, इन्वायरमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन। तो आप सभी इसमें देख सकते हैं ये जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन काफ़ी सारे हैं जिसमें जो है हम सभी जो है अप्लाई कर सकते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार। और इसमें अगर हम पोजीशन की बात करें तो जूनियर इंजीनियर से लेकर असिस्टेंट इंजीनियर का जो पोस्ट है वो सभी लगभग सभी डिसिप्लिन में जो है अप्लाई किया गया है। और जो पोजीशन है वो डिफरेंट सारे दिए गए हैं। और अगर हम इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अमोनिया डिसिप्लिन के लिए BSc केमिस्ट्री जो है 40% के साथ मांगा गया है, और यूरिया के लिए भी ये BSc केमिस्ट्री जो है मांगा गया है। और ऑफ साइट एंड यूटिलिटीज डिसिप्लिन की बात करें तो BSc केमिस्ट्री 40% मांगा गया है, साथ ही डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और आगे हम अगर बात करें कि यूरिया एंड प्रोडक्ट हैंडलिंग में डिसिप्लिन में, तो BSc केमिस्ट्री जो है इसमें एलिजिबिलिटी मांगा गया है। और मैकेनिकल में जो है 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल में जो है 40% मार्क्स के साथ जो है एलिजिबिलिटी मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल में 3 ईयर डिप्लोमा जो है मांगा गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन में है फुल टाइम डिप्लोमा मांगा गया है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच वालों के लिए। और स्टोर डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो फुल टाइम BA, BSc, BCOM वाले जितने स्टूडेंट हैं अप्लाई कर सकते हैं विद 40% मार्क्स। एंड इन्वायरमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल का अगर हम बात करें तो BSc इन केमिस्ट्री अप्लाई जो है कर सकते हैं विद 40% मार्क्स जिनका भी है। एंड क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंस्पेक्शन की अगर हम बात करें तो फुल टाइम BSc इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनका भी 40% मार्क्स है। और इन सभी पोस्टों का अगर हम बात करें तो जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 5 से लेकर 10 साल जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आप सभी फॉर्म को भरने से पहले एक बार ये जो नोटिफिकेशन है अच्छे से जो है रीड आउट कर लें और तभी जो है फॉर्म को अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप सभी जो है फॉर्म को जल्द से जल्द जितने जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उसको फॉर्म को फिल कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसमें इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है आप देख सकते हैं कि जो भी आपका एलिजिबिलिटी होगा डिग्री और डिप्लोमा वो फुल टाइम रेगुलर होना चाहिए। और दूसरे नंबर पे दिया हुआ है कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी से जो है कम्प्लीट होना चाहिए विद 40% एग्रीगेट जो मार्क्स है होना चाहिए। और आगे हम अगर बात करें नेचर एंड पीरियड ऑफ इंगेजमेंट की, तो पहले नंबर पे दिया गया है कि आपका जो भी जिन लोगों का भी सिलेक्शन होगा उनको जो है वर्क करना होगा जनरल एंड रोटेटिंग शिफ्ट में
ऑन द बेसिस ऑफ वर्क रिक्वायरमेंट, एंड दूसरे नंबर पर दिया गया है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन ऑफ फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब जिनका भी सिलेक्शन होगा उनको 1 साल के पीरियड पर जो है अपॉइंट किया जाएगा, और उसके बाद जो है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस उनका जो है फर्दर जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट कराया जाएगा, और जो है परमानेंट जॉब भी उनका जो है हो सकता है। तो और आगे हम बात करें रिन्यूमरेशन की, तो जो मिनिमम एक्सपीरियंस है 5 साल मांगा गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है। तो CTC जो पर एनम होगा एवरेज 4.1 लैक्स होगा 5 साल वाले एक्सपीरियंस के लिए, और जो 10 साल और जिनका भी एक्सपीरियंस होगा 4.9 लैक्स जो है CTC जो है रखा गया है पर एनम, और जिनका भी एक्सपीरियंस 15 साल होगा उनका जो CTC होगा पर एनम का वो 5.8 लाख जो है होगा। और जो कंपनी की तरफ से जो है PF एंड ग्रेचुटी का जो है जो भी रूल होगा अप्लाई होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें इस फॉर्म में, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के साथ जो है किया जाएगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आप सभी जो है तैयारी शुरू कर दें तो बेहतर है, जिन लोगों ने भी फॉर्म भर दिया है और भरने वाले हैं। और आगे अगर हम बात करें तो फ़ोटो जो आपका एडमिट कार्ड पे होगा वो आपको जो है दिया जाएगा, और जो भी एडमिट कार्ड आपका CVT के लिए जारी होगा वो आप देख सकते हैं, जो वेबसाइट है www.hurl.net.in पर जो है आप चेक कर सकते हैं। और इसमें डिफरेंट सारे टेस्ट सेंटर जो है दिए गए हैं, जिसमें आप अपने इजनेस के साथ जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की अगर हम बात करें कि इसमें इसका क्वेश्चंस कितने होंगे, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो भी होगा उसमें जो है 2 घंटे का पेपर आपका जो है CVT होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जिसमें जो है जनरल इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज अवेयरनेस के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, और आल क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस टाइप के होंगे, एंड आल क्वेश्चन विद कैरी इक्वल वेटेज ऑफ 1 मार्क्स आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, मतलब जो भी जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब एक एक नंबर के जो है 1 होंगे, और CVT का जो लैंग्वेज होगा वो बाई लैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है जो पेपर होगा वो आएगा। और जो भी आपका वेन्यू होगा एंड डेट एंड टाइम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो आपको जो एडमिट कार्ड पर जो है शो किया जाएगा, तो आप सभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड ये जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी जो है पर रीड आउट कर सकते हैं। और बात करें अगर इस फॉर्म को जो है कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो फॉर्म को जो है अप्लाई करने के लिए आपको जो है ईमेल दिए गए जो है ईमेल आईडी पर अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है वो आपको जो है स्कैनिंग करके अपलोड करना होगा। कैंडिडेट इसमें आप देख सकते हैं दिया हुआ है कैंडिडेट शुड आल्सो कीप द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रेडी विद देमसेल्फ फॉर एनी फर्दर फ्यूचर रिक्वायरमेंट, कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो भी आप अप्लाई करेंगे, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो जिन लोगों ने भी इस फॉर्म को जो है अप्लाई करना है वो सभी जो है इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इस वैकेंसी की अगर हम बात करें तो ये हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड की तरफ से जो है ये वैकेंसी है, जिसमें जो है आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो फॉर्म है उसको जो है अच्छे से रीड आउट करके जो लोग भी इंटरेस्टेड हों अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं राहुल कांग गुप्ता लेता हूँ आप सभी से विदा, और आप सभी का जो भी
क्वायरी या कमेंट होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं राहुल कुमार गुप्ता लेता हूँ आप सभी से विदा और मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।